ये पॉइंट है, ठीक है। तो आपके पास जो भी चीज़ है ना, जैसे कि मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, ठीक है, काफ़ी बढ़िया सेमिनार था, और उसमें एक लड़की थी, लड़की ने खड़े होके कहा कि जो मेरे पापा हैं, राइट, वो एक नंबर उस लड़की ने कहा कि यार जो मेरे पापा हैं वो एक नंबर के ख़राब व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी मेरे को समय नहीं दिया, कभी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और उसकी वजह से मैं उन्हें बहुत हेट करती हूँ, इस तरह का कुछ कहा। तो जो स्पीकर था उसने एक चीज़ बोली कि अगर आप अपने पापा को, ठीक है, अगर आप अपने पापा को हेट करते हो अपनी लाइफ में, जो भी बुरा हो रहा है उस चीज़ के लिए, तो तुम्हारी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है या आज जो तुम व्यक्ति हो उस चीज़ के लिए भी तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें रफ ट्रीट किया तो तुम एक रफ बंदे बने, तुम एक हार्ड बंदे बने जिसे छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास के अंदर कोई 2 बार डांट मार दे तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, 400 सुना क्या होगे वापस, समझ में आ रही है? तो वो कैरेक्टर तुम में कहाँ से आया? शायद तुम्हारे पापा की देन थी। ऑल दो समझ रहे हो, अगर तुम किसी को पूरा ब्लेम कर रहे हो, हेट कर रहे हो तुम्हारी लाइफ में जो बुरा चल रहा है, तो शायद जो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं उनके लिए भी वो सिचुएशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट? आज तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, वो तुम्हारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। कल को तुम लाइफ में अच्छा करते हो, वो खराब फाइनेंशियल सिचुएशन एक अच्छा रीज़न थी तुम्हें ऊपर बढ़ाने के लिए, इंपॉर्टेंट रीज़न थी, राइट? सो एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन अवर लाइफ इज हैपनिंग फॉर गुड। ये हमारे बढ़िया के लिए हो रही है, अच्छे के लिए हो रही है। कोई ऊपर बैठा है जिसने एक प्लान किया है कि जनाब इस बंदे के सामने मैं ये चीज़ें फेंकूंगा, राइट? और यार ऊपर वाला भी है ना, या कोई भी एनर्जी सोर्स अगर एग्जिस्ट करती है, डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, भगवान में नहीं मानते तो नेचर में तो मानते होंगे कि देर इज सम सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज क्रिएटिंग एंड रनिंग द एंटायर वर्ल्ड इतने सिंक्रोनाइजेशन में, राइट? सो मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था, मैं ऐसी स्पॉन्टी था तो मैं लास्ट पॉइंट भूल गया क्या कह रहा था मैं, चल छोड़ जो भी था। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो आपके पास जो भी चीज़ है ना, जैसे कि मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, ठीक है, काफ़ी बढ़िया सेमिनार था, और उसमें एक लड़की थी, लड़की ने खड़े होके कहा कि जो मेरे पापा हैं, राइट, वो एक नंबर उस लड़की ने कहा कि यार जो मेरे पापा हैं वो एक नंबर के खराब व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी मेरे को समय नहीं दिया, कभी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और उसकी वजह से मैं उन्हें बहुत हेट करती हूँ, इस तरह का कुछ कहा। तो जो स्पीकर था उसने एक चीज़ बोली कि अगर आप अपने पापा को, ठीक है, अगर आप अपने पापा को हेट करते हो अपनी लाइफ में, जो भी बुरा हो रहा है उस चीज़ के लिए, तो तुम्हारी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है या आज जो तुम व्यक्ति हो उस चीज़ के लिए भी तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें रफ ट्रीट किया तो तुम एक रफ बंदे बने, तुम एक हार्ड बंदे बने जिसे छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास के अंदर कोई 2 बार डांट मार दे तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, 400 सुना क्या होगे वापस, समझ में आ रही है? तो वो कैरेक्टर तुम में कहाँ से आया? शायद तुम्हारे पापा की देन थी। ऑल दो समझ लो, अगर तुम किसी को पूरा ब्लेम कर रहे हो, हेट कर रहे हो तुम्हारी लाइफ में जो बुरा चल रहा है, तो शायद जो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं उनके लिए भी वो सिचुएशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट? आज तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, वो तुम्हारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। कल को तुम लाइफ में अच्छा करते हो, वो खराब फाइनेंशियल सिचुएशन एक अच्छा रीज़न थी तुम्हें ऊपर बढ़ाने के लिए, इंपॉर्टेंट रीज़न थी, राइट? सो एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन अवर लाइफ इज हैपनिंग फॉर गुड। ये हमारे बढ़िया के लिए हो रही है, अच्छे के लिए हो रही है। कोई ऊपर बैठा है जिसने एक प्लान किया है कि जनाब इस बंदे के सामने मैं ये चीज़ें फेंकूंगा, राइट? और यार ऊपर वाला भी है ना, या कोई भी एनर्जी सोर्स अगर एग्जिस्ट करती है, डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, भगवान में नहीं मानते तो नेचर में तो मानते होंगे कि देर इज सम सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज क्रिएटिंग एंड रनिंग द एंटायर वर्ल्ड इतने सिंक्रोनाइजेशन में, राइट? सो मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था, मैं ऐसी स्पॉन्टी था तो मैं लास्ट पॉइंट भूल गया क्या कह रहा था मैं, चल छोड़ जो भी था। तो